यस हेलो डियर स्टूडेंट्स, यस स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग बच्चों? एवरीथिंग इज फाइन और नॉट? चलिए ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि इकोनॉमिक्स में अभी तक हम लोगों ने 6 चैप्टर्स तक के सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चंस को यहां पर 1 by 1 करके डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है ना। आई होप कि दैट आप सभी उन सभी चैप्टर 6 चैप्टर्स के साथ में प्रॉपर तरीके से आपने वीडियोज को देखे होंगे और उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाए हैं वो आपको समझ में भी आए होंगे, ऐसी अपेक्षा मैं करता हूँ, करेक्ट है। तो आज के लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे बच्चों न्यू चैप्टर एंड द चैप्टर नंबर 7 विच इज अबाउट नेशनल इनकम। ओके, क्या नाम है बच्चों चैप्टर का? नेशनल इनकम। नाउ ये जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, ये चैप्टर बच्चों बहुत ही नॉलेजफुल चैप्टर है, करेक्ट है। किसी भी पर्सन के लिए, किसी भी स्टूडेंट्स के लिए इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे इकोनॉमिकल नॉलेजेस आपको यहां पर मिलेंगी, करेक्ट है। और ये चैप्टर बच्चों बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है और इस चैप्टर को समझना ये आपके लिए बहुत ही नॉर्मल सी बात है। यू जस्ट हैव टू बी कॉन्सेंट्रेट ऑन द टॉपिक, आपको सिर्फ टॉपिक पे कॉन्सेंट्रेट करना है, चीजों को आपको इमेजिन करना है, करेक्ट है, और कॉन्सेप्ट को आपको समझने की पूरी कोशिश करनी है। ओके, तो यहां पर चैप्टर का नाम बच्चों है नेशनल इनकम। सबसे पहले तो आपको ये बेसिकली पता होगा कि दैट हमारी जो इकोनॉमिक्स है, उसको यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है बच्चों माइक्रो इकोनॉमिक्स, जहाँ पर हम लोग इंडिविजुअल और पर्टिकुलर लेवल की स्टडीज को करते हैं, जहाँ पर इंडिविजुअल यूनिट को, पर्टिकुलर फर्म को, पर्टिकुलर इंडस्ट्री को, किसी एक व्यक्ति की इनकम को, करेक्ट है ना, इस माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है। लेकिन जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हमारी जो इकोनॉमिक्स की स्टडी जो होती है वो यहाँ पर होलिस्टिक स्टडी हो जाती है, वो यहाँ पर एग्रीगेट स्टडी हो जाती है। फॉर एग्जांपल, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने किसी इंडिविजुअल पर्सन की इनकम का स्टडी किया होगा, उसी तरह से मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग कोई इंडिविजुअल स्टडी नहीं करेंगे, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में यहाँ पर जो इनकम की स्टडी की जाएगी वो किसकी इनकम की स्टडी होगी बच्चों? नेशनल इनकम की। क्योंकि नेशनल इनकम ये एक एग्रीगेट कॉन्सेप्ट है, ये एक एग्रीगेट कॉन्सेप्ट है, और ऐसे एग्रीगेट कॉन्सेप्ट की जो स्टडी होती है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के द्वारा की जाती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही इसे हम लोग सब्जेक्ट मैटर कहते हैं। तो यहाँ पर नेशनल इनकम ये किस इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर है बच्चों? तो यहाँ पर हम कहेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का। किसका है बच्चों? मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो नेशनल इनकम इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैंने इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स पहले बताना क्यों इंपॉर्टेंट समझा, क्योंकि जब भी हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो यहां पर हमें जो भी स्टडी होती है वो एग्रीगेट बेसिस की करनी होती है, वो पूरे नेशन से रिलेटेड स्टडीज होती है, वो यहां पर पूरी होलिस्टिक स्टडी होती है। तो यहां पर नेशनल इनकम ये वर्ड अपने आप में एक एग्रीगेट वर्ड है, ये अपने आप में एक एग्रीगेट कॉन्सेप्ट है, और ऐसे एग्रीगेट कॉन्सेप्ट की स्टडी का जो सब्जेक्ट होता है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के ही मेथड से किया जाता है, करेक्ट है। अब बच्चों यहां पर जैसे कि हम बात कर रहे हैं नेशनल इनकम की, करेक्ट है, तो नेशनल इनकम को समझने के पहले हमें समझना होगा नेशनल इकोनॉमी के बारे में। किसके बारे में? नेशनल इकोनॉमी के बारे में। नेशनल इकोनॉमी का मतलब होता है हमारी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था। नेशनल इकोनॉमी का मतलब होता है हमारे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था, हमारे राष्ट्र के अंदर आर्थिक व्यवस्थाएं किस तरह से होती है, या हमारे राष्ट्र की जो आर्थिक व्यवस्थाएं हैं वो कौन कौन से सेक्टर पे, वो कौन कौन से डिपार्टमेंट पे डिपेंड होती है। फॉर एग्जांपल, अगर समझो मुझे किसी इंडिविजुअल की इनकम अगर स्टडी करनी है, अगर मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में जाकर के किसी इंडिविजुअल इनकम की अगर स्टडी करता तो मैं ये देखता कि उस इंडिविजुअल को इनकम के आने के कौन कौन से सोर्सेस है, उस इंडिविजुअल को इनकम के मिलने के कौन कौन से माध्यम है। ठीक उसी तरह से मुझे वहाँ पर उस इंडिविजुअल पर्सन की इकोनॉमी स्टडी करनी पड़ती। तो अगर मुझे इंडिविजुअल की इनकम अगर समझनी है तो मुझे पहले उस इंडिविजुअल की इकोनॉमी की स्टडी करनी पड़ेगी, मुझे ये देखना पड़ेगा कि वो इंडिविजुअल पर्सन कौन कौन से माध्यमों से, कौन कौन से सोर्सेस से, और कौन कौन सी एक्टिविटियों को परफॉर्म करके वो अपनी इनकम को जनरेट करता है, करेक्ट है।
ठीक उसी तरह बच्चों, अगर मुझे पूरे नेशन की इनकम अगर समझनी है तो पूरे राष्ट्र की इनकम को, पूरे कंट्री की इनकम को, होल नेशन की इनकम को अगर मुझे समझना है तो उसके लिए मुझे पहले नेशनल इकोनॉमी को समझना पड़ेगा, हमारे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को समझना पड़ेगा। जब तक अर्थव्यवस्था को नहीं समझोगे तब तक उस अर्थव्यवस्था के अंदर कमाई गई इनकम को समझ नहीं पाओगे। तो नेशनल इकोनॉमी ये कौन कौन से सेक्टर पे या कौन कौन से डिपार्टमेंट पे डिपेंड होती है पहले उसको देखते हैं, और वो डिपार्टमेंट कौन सी एक्टिविटियों को करके इनकम जनरेट करता है हम वो देखेंगे। इसके बाद हम लोग जाएंगे कहाँ पर बच्चों, नेशनल इनकम को। तो नेशनल इनकम को समझने के लिए पहले इकोनॉमी को समझ लीजिए, फिर इनकम की बात हम लोग करेंगे। करेक्ट है? यस yes. तो बच्चों हमारी जो नेशनल इकोनॉमी होती है, वो नेशनल इकोनॉमी जो है वो कुछ सेक्टर्स पे, कुछ ऐसे फॉर्म्स, कुछ ऐसी इंडस्ट्रियां, मैं यहां पे लिखते जाता हूं। तो नेशनल इकोनॉमी इज डिपेंड ऑन आवर कंट्रीज ऑल फॉर्म्स। जब भी मैं कोई वर्ड लिख रहा हूं तो उसके पहले ऑल ये वर्ड आप लगा सकते हैं। तो हमारी नेशनल की जो इकोनॉमी है, राष्ट्र की जो अर्थव्यवस्था है, वो डिपेंड करती है हमारी कंट्री के अंदर अवेलेबल ऑल टाइप्स ऑफ फर्म्स, हमारे कंट्री के अंदर अवेलेबल ऑल टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, हमारे कंट्री में अवेलेबल ऑल टाइप्स ऑफ शॉप्स, कंट्री के अंदर अलग अलग लेवल के मार्केट, अलग अलग प्रकार के मार्केट। करेक्ट है? हमारे कंट्री के सारे बैंकिंग सेक्टर आप ले सकते हैं, हमारे कंट्री में अवेलेबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की एग्जांपल्स भी आप ले सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ओके, हमारे कंट्री के अंदर वो सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इसके अलावा शेयर मार्केट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी कंट्री के नेशनल इनकम में। करेक्ट है? एक्सेट्रा। तो कहने का मतलब पहले ये हुआ कि ये सारे जो वर्ड मैंने यहाँ पर लिखे हैं, फॉर्म्स हमारे कंट्री के अंदर अवेलेबल, आप इमेजिन करो हमारे कंट्री के हम ऑल टाइप्स ऑफ फॉर्म्स की बात कर रहे हैं, ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे हैं, ऑल टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, जिसको हम लोग कह सकते हैं बच्चों फैक्ट्रीज, जहाँ पर रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो ऑल टाइप्स ऑफ फैक्ट्रीज आई एम टॉकिंग अबाउट, ऑल टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज आई एम टॉकिंग अबाउट, भले वो छोटे से छोटा इंडस्ट्री क्यों ना हो या फिर बड़े से बड़ा इंडस्ट्री क्यों ना हो। इसके अलावा हमारे कंट्री में सभी छोटे से छोटे लेकर के बड़े से बड़े जो शॉप्स है, शोरूम्स है, मॉल्स है, उन सबकी बात यहां पर मैं कर रहा हूं। मार्केट के अंदर लोकल लेवल का मार्केट हो, नेशनल लेवल का मार्केट हो, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल का मार्केट हो, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑल टाइप्स ऑफ मार्केट हियर। करेक्ट है? मार्केट के सारे टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर की बात यहां पर मैं कर रहा हूं। हमारे कंट्री में जितने भी बैंकिंग सेक्टर से, हमारे कंट्री में जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, उसके अलावा हमारे कंट्री में जो शेयर बाजार का यहां पर ट्रेडिंग चलता है, हम उन सभी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सभी टाइप्स ऑफ सेक्टर को और हर विभागों को यहां पर हमने इकट्ठा किया है। करेक्ट है? तो हमारे राष्ट्र की जो इकोनॉमी है वो इन सभी विभागों पर डिपेंड है, इन सभी टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन पे, इन सभी टाइप के ग्रुप्स पे, इन सभी टाइप के सेक्टर्स पे डिपेंड करती है। करेक्ट है? अब हमारी कंट्री की इकोनॉमी, राष्ट्र की इकोनॉमी इन सभी चीज़ों पे डिपेंड क्यों है, इन सभी पे डिपेंड क्यों है, ये लोग के अंदर ऐसा क्या है या ये लोग ऐसा क्या करते हैं कि जिसका इम्पैक्ट हमारी अर्थव्यवस्था को पड़ता है। करेक्ट है? तो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि ये जितने भी नाम यहाँ पर लिखे गए हैं, या इसके अंदर आप और 100 नाम जोड़ दीजिए, एक्सेट्रा में आप यहाँ पर 100 नाम और जोड़ दीजिए, इन सभी के ऊपर हमारी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था क्या है बच्चों, डिपेंड है। करेक्ट है? अब इन सभी के द्वारा हमारी कंट्री में कुछ एक्टिविटियाँ की जाती है, इसलिए उस एक्टिविटियों पे हमारे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था डिपेंड होती है। तो इन सभी के द्वारा जो एक्टिविटी यहाँ पर की जाएगी वो ऑफकोर्स कौन सी एक्टिविटी होगी बच्चों, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। मतलब जिस एक्टिविटी के अंदर जनरेशन ऑफ मनी, जिस एक्टिविटी के अंदर पैसों को जनरेट करने से रिलेटेड चीजें इन्वॉल्व होती है, उन सभी एक्टिविटियों के अंदर, तो यहां पर जितने भी लोग हैं उनमें से कुछ लोग यहां पर प्रोडक्शंस की एक्टिविटी का रोल प्ले कर रहे होंगे, कुछ लोग गुड्स एंड सर्विसेज के डिस्ट्रीब्यूशंस में इंगेज होंगे, कुछ लोग एक्सचेंज में इन्वॉल्व हैं, और कुछ लोग बच्चों कंजम्पशंस में इन्वॉल्व है। करेक्ट है? तो कहने का मतलब ये हुआ कि इन सभी लोगों के द्वारा हमारे कंट्री में ऐसा क्या किया जाता है, तो इन सभी के द्वारा
हमारे कंट्री में प्रोडक्शन, हमारे कंट्री में डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे कंट्री में एक्सचेंज, हमारे कंट्री में कंजम्पशन, करेक्ट है। तो ये सारी इकोनॉमिकल एक्टिविटियाँ हमारे कंट्री में इन सभी के द्वारा की जाती है। अगर इन सभी ने ये सारी एक्टिविटी की है तो सर प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज और कंजम्पशन किस चीज़ का? तो यहाँ पर भले प्रोडक्शन हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे एक्सचेंज हो, चाहे कंजम्पशन हो, तो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन किस चीज़ का बच्चों? तो हमारे कंट्री के अंदर ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स एंड क्या बच्चों? सर्विसेज। तो हमारे कंट्री के अंदर ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज और कंजम्पशन, ये सब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल सारे सेक्टर ये होते हैं। और इन सभी के द्वारा ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटियाँ प्ले की जाती है, इस इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्ले करने के बाद ही यहाँ पर कुछ ना कुछ तो इनकम जनरेट होती है, कुछ ना कुछ तो मनी जनरेट होता है, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर पैसे जनरेट होते हैं। और इन सभी इंस्टीट्यूशन के द्वारा एक्टिविटी को करके जो इनकम जनरेट होती है, उसी इनकम को यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? नेशनल इनकम, करेक्ट है। तो हमारी नेशनल इकोनॉमी इन सभी लोगों पे डिपेंड है, क्योंकि इन सभी लोगों के द्वारा ये सारी एक्टिविटियाँ की जाती है। किस चीज़ से रिलेटेड बच्चों? गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पर जितने भी लोगों के मैंने नाम लिखे हैं, ये सभी या तो किसी न किसी गुड्स का या किसी न किसी सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होंगे, एक्सचेंज कर रहे होंगे, कंजम्पशन कर रहे होंगे। और इन सभी एक्टिविटियों को परफॉर्म करने की वजह से यहाँ से कुछ ना कुछ तो रेवेन्यू जनरेट होता है, किसी के द्वारा कम जनरेट होता है, किसी के द्वारा ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। तो इन सभी के द्वारा जनरेट की गई रेवेन्यू, इन सभी के द्वारा जनरेट की गई रेवेन्यू थ्रू प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन, इन सभी के द्वारा जनरेट की गई जो इनकम यहाँ पर होती है, उस सभी इनकम को अगर मैं यहाँ पर कंप्राइज कर दूँ, उन सभी टाइप की इनकम को अगर मैं यहाँ पर इंक्लूड कर दूँ, या इन सभी टाइप की इनकम को अगर मैं कंपोजिट कर दूँ, तो कंपोजिट करने के बाद मुझे जो फिगर मिलेगा, मुझे जो इनकम मिलेगी, वो इनकम मेरी क्या कहलाएगी बच्चों? नेशनल इनकम, करेक्ट है। तो जब हम नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स हमें हमारी कंट्री के, हमारे नेशन के अंदर जितने भी टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, उन सभी टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन की जो मनी वैल्यू है, मेरी बात ध्यान से सुनना, नेशनल इनकम इन सभी का अगर मैं आपको शॉर्ट में मतलब अगर बताता हूँ, तो नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम इज द मनी वैल्यू, क्योंकि नेशनल इनकम में, नेशनल इनकम का कैलकुलेशन जो है वो हमेशा मॉनिटरी टर्म्स में होता है। तो नेशनल इनकम को कहेंगे कि नेशनल इनकम इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन आवर इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर, हमारी नेशनल इकोनॉमी के अंदर जितने भी टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं, उन सभी टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की मनी वैल्यू, उन सभी टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की मॉनेटरी वैल्यू को यहाँ पर हम लोग कहते हैं नेशनल इनकम, करेक्ट है। और हमारे कंट्री के अंदर जितने भी टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाएंगे, वो सारे टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, कंजम्पशन जो है वो इन सभी के द्वारा किया जाता है। इसलिए यहाँ पर इन सभी चीज़ों के नाम को बताना मैंने इम्पॉर्टेंट समझा। तो आप इसको समझ लीजिए कि यही वो सारे लोग हैं जिन पे हमारी इकोनॉमी क्या होती है बच्चों? डिपेंड होती है। यही वो लोग हैं जो हमारी इकोनॉमी के बाहर को लेकर चलते हैं, जो हमारी अर्थव्यवस्था को डेवलप, अंडर डेवलप से डेवलपिंग बनाते हैं, और डेवलपिंग से डेवलप भी बनाएंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इन्हीं के द्वारा किए गए गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज और कंजम्पशन से जो इनकम जनरेट होती है, उन सभी इनकम को यहाँ पर इंक्लूड की जाए, उन सभी इनकम को यहाँ पर हम लोग कलेक्ट करें, उन सभी इनकम को यहाँ पर हम लोग एग्रीगेट करें, और एग्रीगेट करने के बाद जो फिगर हमें मिलेगा, उसी फिगर को यहाँ पर कहा जाएगा नेशनल इनकम। तो जब हम लोग नेशनल की बात कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स हमें नेशन के अंदर जितने भी सोर्सेस है, जितने भी सेक्टर से, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मार्केट है, उन सभी के द्वारा की गई एक्टिविटियों को, की गई इकोनॉमिकल एक्टिविटियों को यहाँ पर हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। और उन सभी के द्वारा जो इनकम यहाँ पर प्रोड्यूस की जाएगी, जो इनकम यहाँ पर जनरेट की जाएगी, उन सभी इनकम को भी यहाँ पर हमें एग्रीगेट करना होगा। और एग्रीगेट करने के बाद जो हमें अमाउंट मिलेगी, उसी को हम लोग यहाँ पर कहेंगे नेशनल इनकम, करेक्ट है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नेशनल इनकम एक एग्रीगेट कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर हमारे कंट्री में प्रोड्यूस होने वाले ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, भले वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन
प्राइमरी सेक्टर से हुआ हो, चाहे सेकेंडरी सेक्टर से हुआ हो, या फिर टर्शियरी सेक्टर से हुआ हो, तो जितने भी हमारे कंट्री में सेक्टर है उन सभी सेक्टर के द्वारा जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है, उन ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन की मॉनिटरी वैल्यू को, मनी वैल्यू को हम लोग यहाँ पर कहेंगे बच्चों नेशनल इनकम, करेक्ट है। तो ये आपको जस्ट मैंने इंट्रोडक्शन बताया और थोड़ा सा मीनिंग भी बताया नेशनल इनकम का, करेक्ट है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी बात यह है कि नेशनल इनकम इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को हमारी कंट्री में सबसे पहले मेजर करना, क्योंकि इनकम को यहां पर मेजर किया जाता है, इनकम को यहां पर कैलकुलेट किया जाता है, तो हमारी कंट्री में नेशनल इनकम के एस्टिमेशन को मेजर करने वाली सबसे पहली संस्था कौन सी थी, तो उसका नाम और वो कौन से ईयर से उन्होंने इसका एस्टेब्लिशमेंट किया था वो आपको जानना जरूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नेशनल इनकम कमेटी, बात को याद रखिएगा, तो यहाँ पर नेशनल इनकम का जो एस्टिमेशन है, नेशनल इनकम का जो मेजरमेंट है, उस मेजरमेंट को करने के लिए इनिशियली शुरुआती दौर में, हमारे शुरुआती दौर में जैसे हमारी कंट्री को फ्रीडम कब मिला, 1947 में मिला, करेक्ट है। तो 1947 के बाद हमारे नेशन की इनकम को मेजर करने का प्रोसेस शुरू किया गया और हमारी कंट्री के नेशनल इनकम को मेजर करना, नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने का जो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी था, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी था किन पे बच्चों, हमारी कंट्री में एक नेशनल इनकम की कमेटी बनाई गई थी। नेशनल इनकम की हमारे कंट्री में बच्चों कमेटी बनाई गई थी और ये कमेटी बनाई गई थी 1949 में। कब बनाई गई थी? 1949 में। तो 1949 में नेशनल इनकम कमेटी का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था और इस कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हमारे कंट्री के नेशनल इनकम को क्या करना बच्चों, मेजर करना। तो अगला क्वेश्चन ये आता है, क्या ये आज भी यही कमेटी हमारी कंट्री के नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो मैं कहूंगा नहीं। एट प्रेजेंट अगर हम अभी की बात अगर करें तो हमारे कंट्री में नेशनल इनकम को मेजर करने का, नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बच्चों किस पे आ चुका है? सीएसओ पे आ चुका है। किस पे आ चुका है? सीएसओ पे, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम बच्चों? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको कोई प्रेजेंटली अगर पूछे कि हमारे कंट्री में नेशनल इनकम का एस्टिमेशन कौन से ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या हमारे कंट्री में नेशनल इनकम का जो भी कैलकुलेशन है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है, या वो सारा डेटा किसके पास अवेलेबल होता है, तो आपको नेशनल इनकम कमेटी का नाम नहीं बताना है, आपको नाम बताना है सीएसओ का, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, करेक्ट है बच्चों। तो ये बात जो मैंने आपको समझाई, ये सारा आपका इंट्रोडक्शन पॉइंट था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नेशनल इनकम एग्जैक्टली क्या होता है और यहां पर किस कमिटी का पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी था इसको मेजर करना, ठीक है ना। इसके बाद अब इस समय पे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है, तो प्लीज रिमेंबर द नेम ऑफ बोथ द कमिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन हियर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजरमेंट ऑफ द नेशनल इनकम, जिनके पास राष्ट्र की इनकम से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल होता है, करेक्ट है। चलिए तो अब हम आ जाएंगे बच्चों इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो आप सभी लोग आपके टेक्स्ट बुक के इंट्रोडक्शन पार्ट पर आ जाइए। यस, थोड़ा बच्चों डिटेल में समझना जरूरी है क्योंकि ये सारे बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो 12th स्टैंडर्ड में ही आपको मिलती है। आगे की ईयर्स में आपको ये सारी चीज़ों की कोई बेसिक अंडरस्टैंडिंग या बेसिक कॉन्सेप्ट कोई समझाने वाला नहीं है। सो प्लीज़ बी श्योर दैट कि ये सारी चीज़ें आप नॉट फॉर एग्जामिनेशन पर्पज़, अपने नॉलेज पर्पज़ के लिए और अपने इकोनॉमिक्स के बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन सभी चीज़ों को आप समझ रहे हो, करेक्ट है। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो इंट्रोडक्शन पार्ट में यहाँ पर क्लियरली कहा गया है कि नेशनल इनकम इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये बात पहले क्लियर हो गई थी कि नेशनल इनकम ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक सब्जेक्ट मैटर है, क्योंकि यहाँ पर हम पूरे नेशन की इनकम को स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पर हम एग्रीगेट स्टडी कर रहे हैं और जब जब हम एग्रीगेट स्टडी करेंगे तब तब हम लोगों को मैक्रो इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर में ही जाना होगा, करेक्ट है। यस, द नेशनल इनकम इकोनॉमी कंप्राइजेस ऑफ, हमारे राष्ट्र की जो अर्थव्यवस्था है उसमें बहुत से लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था ये बहुत से लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसमें मैंने इन सभी लोगों के नाम यहाँ पर ऑलरेडी लिखे हुए हैं। यही सारे नाम बच्चों वहाँ पर भी आपको दिखेंगे कि जहाँ पर लिखा है दैट ऑल दी फर्म्स
फैक्ट्रीज, शॉप्स, मार्केट, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और वेरियस डिपार्टमेंट एंड देयर ऑफिसेस। तो इन सभी डिपार्टमेंट और इनकी जो भी ऑफिसेस है, इन सभी के ऊपर हमारी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था क्या होती है बच्चों, डिपेंड होती है, या इन सभी के एक्टिविटीयों से हमारी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था चलाई जाती है। ओके, यस, आगे लिखा है नेशनल इनकम इज ए कंपोजिट मेजर। जब हम राष्ट्र की इनकम को कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम यहाँ पर किसी एक फर्म के द्वारा किए हुए प्रोडक्शन को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, किसी दो सेक्टर के द्वारा किए गए प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। तो वी आर हेयर, वी हैव टू कंप्राइजेस ऑल टाइप्स ऑफ सेक्टर। यहाँ पर हमें सारे टाइप्स के सेक्टर, सारे टाइप के विभाग, सारे टाइप्स के शॉप्स, मार्केट, फर्म, इंडस्ट्रीज, इन सभी को यहाँ पर बच्चों हमें इंक्लूड करना होगा। तो यहाँ पर आप लिखा है क्लियरली कि नेशनल इनकम इज अ कंपोजिट मेजर ऑफ ऑल, कम ऑन, ऑल, जितनी बार ऑल बोलू उतनी बार कम है, ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज अ। तो देखो ये सब बच्चों कौन सी एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और इन सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीयों को परफॉर्म किसने किया है, तो इन सभी ने किया है जो हमारी इकोनॉमी के लिए रिस्पॉन्सिबल्स है, करेक्ट है ना। तो इनके द्वारा ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीयां परफॉर्म की गई है। वहां पर क्लियर लिखा हुआ है कि ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज अ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन, ये सब क्या है बच्चों, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ये सारे आर्थिक कार्य है जिन कार्य को करके हमें कुछ ना कुछ तो अमाउंट ऑफ मनी यहाँ से जनरेट होगा, कुछ ना कुछ टाइप ऑफ इनकम यहाँ से जनरेट होगी, ठीक है। यस, बट इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्टिव इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल्स इन अ कंट्री। यहाँ पर नेशनल इनकम तो कैलकुलेट तो हो जाएगा, लेकिन नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना एक ऐसे प्रकार के ऑब्जेक्टिव को शो करता है जिस नेशनल इनकम के मदद से हम लोग हमारी कंट्री में लोगों का, पीपल का, लोगों का फायदा बढ़ रहा है या लोगों का फायदा नहीं बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें भी हम लोग नेशनल इनकम के एस्टिमेशन से, नेशनल इनकम के कैलकुलेशन से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो बच्चों किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, ये सारी चीज़ें उस कंट्री में घूम कर नहीं पता चलता है, करेक्ट है ना। उस कंट्री के नेशनल इनकम के जो आंकड़े होते हैं, उस कंट्री का जो नेशनल इनकम का जो फिगर होता है, उस फिगर के अकॉर्डिंगली हम लोग कह सकते हैं कि इस कंट्री के अंदर लोगों का वेलफेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है, या इस कंट्री के अंदर लोगों का फायदा बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग तभी कह सकते हैं जब उस कंट्री का हमें नेशनल इनकम पता चलेगा। तो नेशनल इनकम बच्चों एक ऑब्जेक्टिव इंडिकेटर है, मतलब ये एक ऐसे उद्देश्य से कैलकुलेट किया जाता है जिसका मेन उद्देश्य होता है हमारी कंट्री के लोगों के फायदे को मेजर करना। तो अगर हम हमारे कंट्री का नेशनल इनकम अगर मेजर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने कंट्री के लोगों के वेलफेयर को भी मेजर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे कंट्री के लोगों का जो वेलफेयर है वो हमारे राष्ट्र की इनकम से क्या बच्चों जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल किसी इंडिविजुअल पर्सन की वेलफेयर, किसी इंडिविजुअल इनकम का जो इंडिविजुअल पर्सन का जो फायदा है वो उसकी इनकम से जुड़ा होता है, वैसे ही हमारे राष्ट्र के लोगों का जो वेलफेयर है वो हमारे राष्ट्र की इनकम से भी क्या बच्चों कनेक्टेड होता है, करेक्ट है। तो ये हुआ आपका। आफ्टर दैट यहाँ पर और एक बात लिखी गई है जो मैंने आपको यहाँ पर समझाई थी, वो क्या है बच्चों, इंडिया में एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल इनकम कमेटी इन 1949। हमारे कंट्री में नेशनल इनकम कमेटी बनाई गई थी 1949 में, 1949 में, मार्क्ड द बिगनिंग ऑफ गवर्नमेंट एफर्ट्स फॉर रेगुलर कंपाइलेशन ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेट। इनका काम वही था मार्क करना, मार्क, ठीक है ना, मार्किंग करना मतलब कैलकुलेशन करना, किस चीज़ का, हमारे गवर्नमेंट के द्वारा की गई मेहनत, हमारे राष्ट्र के द्वारा कमाई गई इनकम को मार्क करना, हमारे राष्ट्र के द्वारा कमाई गई इनकम को मेजर करना, कैलकुलेट करना, ये इस नेशनल इनकम कमेटी की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, करेक्ट है। यस, आगे लिखा बच्चों एट प्रेजेंट, लेकिन अगर अभी की हम अगर बात करें तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन कंप्लाइजेस एंड पब्लिशेस द डेटा ऑन नेशनल इनकम एंड अलाइड एग्रीगेट एवरी ईयर। तो हमारे कंट्री में हर साल नेशनल इनकम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है या नेशनल इनकम से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है, उन सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किसके पास है बच्चों, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको हमारी कंट्री के राष्ट्र की इनकम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो उसे सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि यही वो ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे कंट्री के राष्ट्र की इनकम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो पब्लिश करती है, और इनकम से रिलेटेड जो भी अलाइड एक्टिविटीयां हैं, जो भी रिलेटेड एक्टिविटीयां हैं, उन सभी को हमारे तक पहुंचाती है थ्रू डिफरेंट डिफरेंट मीडिया, करेक्ट है, अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग तरीकों से सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है
वो नेशनल इनकम के इंफॉर्मेशन को हमारे तक पहुंचाती है और इसका एस्टिमेशन करना, इसका मेजरमेंट करने के लिए भी आज रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा बच्चों, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, करेक्ट है। तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नेशनल इनकम से चाहिए तो यू हैव टू अप्रोच टू द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, करेक्ट है। यस, तो ये बच्चों मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन किसका, नेशनल इनकम का। तो आई होप आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा, एग्जैक्टली राष्ट्र की इनकम में हमें कितना सोचना है, करेक्ट है ना, और कौन कौन सी एक्टिविटीयां यहाँ पर हमारे रिस्पॉन्सिबल है जिनको करके राष्ट्र की इनकम को जनरेट किया जाएगा, करेक्ट है। यस तो ये आपको बच्चों जो मैंने बताया है ये सिर्फ आपको समझने के लिए है। और प्लीज़ रिमेंबर द दिस टू नेम, इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको ये दो नाम याद रखने हैं, नेशनल इनकम कमेटी की स्थापना कब हुई थी और क्यों हुई थी, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, नेशनल इनकम से रिलेटेड जो डेटा होगा उसको पब्लिश करता है और नेशनल इनकम से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीयां होगी उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको सीएसओ के पास मिलती है, करेक्ट है। चलिए अब हम देखेंगे नेशनल इनकम का मीनिंग क्या लिखा है, एग्जैक्टली देखेंगे कि राष्ट्र की इनकम मतलब होता क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसके डेफिनेशन क्या है, करेक्ट है। तो हमारा अगला डिस्कशन जो है वो डिस्कशन रिलेटेड है मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम से, ओके। तो यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में जो भी मीनिंग आपको दी है राष्ट्र की इनकम की उनको पहले समझेंगे, देन वी विल मूव अहेड। तो यहाँ पर बच्चों देखेंगे कि क्या है मतलब नेशनल इनकम का। यस स्टूडेंट्स, तो अभी हम देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय इनकम का अर्थ क्या होता है। तो बच्चों मीनिंग में सबसे पहले मैं जो समझा रहा हूँ पहले उस मीनिंग को आप समझ लीजिए जिससे कि आपका नेशनल इनकम से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्चुअल है वो समझ में आ जाएगा, करेक्ट है। फिर आपके टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेशनल इनकम का मतलब क्या, तो नेशनल इनकम का मतलब बच्चों ऐसा होता है कि दैट इट इज द मनी वैल्यू, इट इज द मनी वैल्यू ऑफ, इट इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस, ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस प्रोड्यूस्ड इन आवर इकोनॉमी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। तो पहले ना बच्चों मैं आपको इस पैराग्राफ का मतलब डिटेल में समझा देता हूं जिससे बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, कुछ फीचर्स के पॉइंट भी आपके इस मीनिंग से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। क्या है मीनिंग जरा समझिए प्रॉपरली। तो यहां पर हम कहेंगे नेशनल इनकम का मीनिंग, नेशनल इनकम का अर्थ क्या होता है। तो नेशनल इनकम का बच्चों मीनिंग अगर हम देखेंगे तो मीनिंग आप देख सकते हैं कि दैट नेशनल इनकम इट इज द मनी वैल्यू। सबसे पहले इसको आप समझिए, बुक्स को साइड में रखिए, पहले इसको समझ लीजिए तो अक्खी किताब में एग्जैक्टली क्या लिखा है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों नेशनल इनकम के मीनिंग में पहले लिखा है कि दैट नेशनल इनकम इज द मनी वैल्यू, मनी वैल्यू, मनी वैल्यू बच्चों क्यों लिखा है यहां पे, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो मॉनेटरी इकोनॉमी है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो नॉन मॉनेटरी नहीं है, हम लोग बार्टर सिस्टम में नहीं है, हम लोग मॉनेटरी सिस्टम में है जहां पर ईच एंड एवरी टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज फॉर मनी, जहां पर हर टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज की जो एक्सचेंजिंग है वो मनी के मदद से होती है, पैसों की मदद से होती है, करेक्ट है ना। सो वी आर इन द मॉनेटरी इकोनॉमी, पहले ये समझ लीजिए आप लोग। तो नेशनल इनकम ये मनी वैल्यू है क्योंकि हम यहां पर राष्ट्र की इनकम को मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हमारी इकोनॉमी ये मॉनेटरी इकोनॉमी है। तो यहां पर जो भी चीजें होंगी इकोनॉमिक से रिलेटेड वो सारी चीजें मनी के फॉर्म में कैलकुलेट की जाएंगी, इसलिए नेशनल इनकम को भी हम लोग मनी वैल्यू ही कहेंगे, नेशनल इनकम को भी हम लोग मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो नेशनल इनकम इज द मनी वैल्यू, किस चीज का मनी वैल्यू है बच्चों, तो ऑल टाइप्स का। यहां पर ये जो ऑल टाइप्स वर्ड मैंने लिखा है इस ऑल टाइप से मेरा क्या मतलब है, तो इस ऑल टाइप से मेरा मतलब है कि हमारे कंट्री में जो प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन का जो इकोनॉमिकल काम है ये
प्राइमरी सेक्टर के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, इसके अलावा सेकेंडरी सेक्टर के द्वारा भी प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन की एक्टिविटी की जाती है, और इसके अलावा टर्शरी सेक्टर, ठीक है, टर्शरी सेक्टर जिसको हम लोग कहते हैं बच्चों सर्विस सेक्टर, तो इनके द्वारा भी यहाँ पर सर्विसेज का प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो यहाँ पर इन तीनों सेक्टर के द्वारा जितने भी प्रकार के, जितने भी टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है, जितने भी टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को यहाँ पर प्रोड्यूस करके डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उन सभी टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो यहाँ पर आप लोग किसी भी वस्तु का, किसी भी सर्विसेज का एग्जाम्पल ले सकते हो, लेकिन याद रहे कि गुड्स एंड सर्विसेज में किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल लेने के पहले एक तय कर लेना कि जिस गुड्स का, जिस सर्विस का आपने एग्जाम्पल लिया है, क्या वो ह्यूमन की वांट को सेटिस्फाई करता है या नहीं, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में हमेशा उसी टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है जो गुड्स एंड सर्विसेज ह्यूमन की वांट को सेटिस्फाई करता है। ह्यूमन की वांट को सेटिस्फाई नहीं करने वाली वस्तुएं ही बनती नहीं है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, तो उसका मनी वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा। तो वी आर हेयर ओनली फॉर दोज टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच सेटिस्फाई ह्यूमन वॉन्ट्स, जो ह्यूमन की वॉन्ट को सेटिस्फाई करेगी, उन सभी प्रकार के गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं, जिस गुड्स एंड सर्विसेज का हमारे कंट्री में उत्पादन होता है इन आवर इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था में, हमारी इकोनॉमी के अंदर जितने भी टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, उन सभी टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की कौन सी वैल्यू बच्चों, मनी वैल्यू, उन सभी टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज की कौन सी वैल्यू बच्चों, मॉनेटरी वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे, नेशनल इनकम। तो हमारे कंट्री का नेशनल इनकम जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज के मनी वैल्यू के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाएगा, करेक्ट है। एक और इंपॉर्टेंट बात बच्चों आपको यहां पर याद रखनी है कि हमारी इकोनॉमी में जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, वो प्रोडक्शन के होने का एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम भी होना चाहिए। तो ये जो ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम वाला मैंने यहां पर स्टेटमेंट लिखा है, इसका मतलब यहां पर ये है कि यहां पर ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम को हम लोग यहां पर कहते हैं नॉर्मली द पीरियड ऑफ वन ईयर। कम ऑन, द नॉर्मली द पीरियड ऑफ क्या बच्चों, वन ईयर। तो एक साल के अंदर, अब यहां पर ये मीनिंग आपको समझ में आ जाएगी पूरी, ठीक है। एक साल के अंदर फॉर ए पर्टिकुलर ईयर हम जितने भी टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हमारी इकोनॉमी में करेंगे, हमारी अर्थव्यवस्था में करेंगे, उन सभी टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की जो मनी वैल्यू होगी, उस मनी वैल्यू को हम लोग कहेंगे नेशनल इनकम। अगर समझे एग्जांपल, मुझे 2020-2021 इस फाइनेंशियल ईयर का मुझे अगर नेशनल इनकम अगर कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या कहूँगा कि 2020 से लेकर के 2021, मतलब 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2020 तक हमारे कंट्री में जितने भी टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, उन सभी गुड्स एंड सर्विसेज की मनी वैल्यू को हम लोग कहेंगे नेशनल इनकम फॉर दिस पर्टिकुलर पीरियड। तो इस पर्टिकुलर पीरियड में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हमारी कंट्री में हुआ है, उन सभी गुड्स एंड सर्विसेज की मॉनेटरी वैल्यू, उन सभी गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू, मनी वैल्यू को यहाँ पर नेशनल इनकम के मीनिंग में कंसिडर किया जाएगा। इससे क्या समझ में आता है कि हमारी कंट्री का जो नेशनल इनकम है वो एवरी ईयर कैलकुलेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ दैट ईयर्स प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मनी वैल्यू, करेक्ट है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि नेशनल इनकम का कैलकुलेशन जो होता है वो एक फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है। तो एवरी फाइनेंशियल ईयर में हमें नेशनल इनकम का कैलकुलेशन जो है वो न्यू तरीके से करना पड़ता है। तो एवरी ईयर वी एस्टिमेट, एवरी ईयर वी मेजर द नेशनल इनकम ऑन द बेसिस ऑफ दैट ईयर्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, करेक्ट है। तो ये आपको मैंने मीनिंग बताया बच्चों किसका, नेशनल इनकम का, करेक्ट है। तो यहाँ से आपको कौन कौन सी फीचर समझ में आ रहे हैं कि नेशनल इनकम को हमेशा मॉनेटरी वैल्यू में कैलकुलेट किया जाता है, नेशनल इनकम में सभी टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज की मनी वैल्यू को इन्वॉल्व किया जाता है,
नेशनल इनकम जो होता है वो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए कैलकुलेट किया जाता है, जो नॉर्मली कितने ड्यूरेशन का होता है बच्चों, वन ईयर का, करेक्ट है ना। तो ये सारी कुछ बातें जो है आपको फीचर्स में भी पढ़ने को मिलेंगी, तो प्लीज गो थ्रू विद दिस मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम, कि कहीं पर भी आपको कोई अगर राष्ट्र की इनकम के बारे में अगर पूछता है तो आपको यही बताना है कि हमारे राष्ट्र में एक साल के अंदर ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा, उन सभी टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन की मनी वैल्यू को हम लोग यहां पर कहेंगे नेशनल इनकम, करेक्ट है, ठीक है। अब आप लोग आ जाइए आपके टेक्स्ट बुक के मीनिंग में, जहां पर वन बाय वन करके मैं समझाता हूं कि आपको एग्जैक्टली क्या मीनिंग दिया है, और ये पैराग्राफ आपको आपके आंसर में ऐड करना है। तो हो सके तो इस पैराग्राफ को अपने नोटबुक में कहीं लिख लीजिए, जिससे कि आंसर लिखते समय ये चीज आपको वहां पर शो करनी होगी, करेक्ट है। चलिए तो मीनिंग में बच्चों क्या लिखा है, मॉडर्न इकोनॉमी, जो आधुनिक अर्थव्यवस्था है, जो आज की जो प्रेजेंट इकोनॉमी है, जो प्रेजेंट अर्थव्यवस्था है, इज ए मनी इकोनॉमी। क्योंकि आज की अर्थव्यवस्था में हम हर एक टाइप के गुड्स एंड सर्विसेस को मनी के वैल्यू में मेजर कर सकते हैं, करेक्ट है। तो हेंस इसलिए नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। जब हमारी मॉडर्न इकोनॉमी ही मॉनिटरी इकोनॉमी है, तो मॉडर्न इकोनॉमी में नेशनल इनकम का जो एस्टिमेशन है, नेशनल इनकम का जो मेजरमेंट है, वो भी मनी के टर्म्स में ही किया जाएगा, करेक्ट है। तो इकोनॉमी जिस प्रकार की होगी, उसी प्रकार में नेशनल इनकम का भी कैलकुलेशन किया जाएगा, करेक्ट है। यस, द टोटल इनकम ऑफ अ नेशन इज कॉल्ड एज अ नेशनल इनकम। तो हमारे राष्ट्र की टोटल इनकम को ही कहते हैं नेशनल इनकम। और पूरे राष्ट्र को इनकम कहां से मिलती है, तो हमारे राष्ट्र में प्रोड्यूस हुए गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू से हमारे कंट्री को, हमारे राष्ट्र को इनकम मिलती है, और उसी इनकम को यहां पर हम लोग एग्रीगेट फॉर्म में कहते हैं नेशनल इनकम, करेक्ट है। यस, और एक बच्चों पैराग्राफ दिया है कि इन रियल टर्म्स, अगर हम रियल टर्म्स में, रियलिटी के शब्दों में अगर बताएं, तो नेशनल इनकम इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। ये जो पैराग्राफ है ना बच्चों, ये इस पैराग्राफ का शॉर्ट पैराग्राफ है, मतलब इसी पैराग्राफ को थोड़ा समराइज करके यहाँ पर बताया गया है कि नेशनल इनकम का जो है संबंध है, वो हमारे कंट्री के गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो पे डिपेंड है। मतलब हमारी कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन प्रोसेस से रिलेटेड है हमारा कंट्री का नेशनल इनकम। तो जितना ज़्यादा वैल्यू का गुड्स एंड सर्विसेज हमारी कंट्री में प्रोड्यूस होगा, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे देश में वस्तु और सेवाओं का प्रोडक्शन होगा, उतना ही ज़्यादा हमारे कंट्री का नेशनल इनकम भी क्या होगा बच्चों, बढ़ता जाएगा। तो जिस तरह से वस्तु और सेवाओं के उत्पादन की प्रक्रिया हमारे कंट्री में फ्लो होती रहती है, हमारी कंट्री में जिस तरह से वस्तु और सेवाओं का प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो फ्लो होता रहता है, उसी के साथ साथ, उसी के पैरेलली हमारा नेशनल इनकम जो है वो भी उसके साथ ही फ्लो होता रहता है। तो जितनी दूर तक हमारा गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन जाएगा, उतनी ही दूर तक हमारी कंट्री की राष्ट्रीय इनकम भी बढ़ती जाएगी। और जितनी ज़्यादा वैल्यू का वस्तु और सेवा हमारी कंट्री प्रोड्यूस करेगा, उतनी ही ज़्यादा वैल्यू की राष्ट्रीय इनकम हमारी कंट्री में डेवलप होती है, करेक्ट है। बच्चों देखो, कोई राष्ट्र डेवलप्ड है तो कोई राष्ट्र डेवलपिंग है, तो कोई राष्ट्र अंडर डेवलप्ड है। अब किसी भी कंट्री की अंडर डेवलपमेंट, डेवलपिंग या डेवलपमेंट स्टेज जो है वो डिपेंड करता है कि वो कंट्री कितने वैल्यू का गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है। तो जो कंट्री जितनी ज़्यादा वैल्यू का वस्तु सेवा प्रोड्यूस करेगी, उस कंट्री की राष्ट्रीय इनकम उतनी ज़्यादा वैल्यू की होगी, और जो जितनी कम वैल्यू का वस्तु एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा, उसका राष्ट्रीय इनकम उतना ही कम वैल्यू का होगा, करेक्ट है। तो ये मैंने आपको बताया नेशनल इनकम का मीनिंग एग्जैक्टली क्या होता है, और किस तरह से राष्ट्रीय इनकम को समझा जा सकता है, करेक्ट है। यस, तो यहाँ पर बच्चों मीनिंग हमारा खत्म होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि नेशनल इनकम की डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ पर बच्चों डेफिनेशन जो है वो अलग अलग इकोनॉमिस्ट के द्वारा दी गई है, तो यहाँ पर मीनिंग तो हमें बहुत ही ईजिली समझ में आ गई है। अब यहाँ पर डेफिनेशन में वो वाली डेफिनेशन, जो डेफिनेशन हमारे मीनिंग से मैच करती है, या जो डेफिनेशन हमको इजीली समझ में आ जाए, वो डेफिनेशन हम इसमें से चूज करेंगे और इसी को यहाँ पर समझ के बाहर करेंगे, करेक्ट है। क्योंकि डेफिनेशन के वर्ड्स जैसे के वैसे ही आने जरूरी है। तो यहाँ पर बच्चों हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। ओके, डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम की क्या बच्चों व्याख्या, नेशनल इनकम की परिभाषा यहाँ पर हम पढ़ेंगे।
तो यहाँ पर बच्चों नेशनल इनकम का डेफिनेशन अगर हम देखेंगे तो डेफिनेशन बच्चों यहाँ पर तीन अलग अलग लोगों के द्वारा दिया गया है। तो पहला डेफिनेशन जो है ना वो बहुत ही स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, करेक्ट है ना, क्योंकि वो डेफिनेशन नेशनल इनकम कमिटी के द्वारा बनाया गया है जिसके अंदर बहुत से इकोनॉमिस्ट लोगों के व्यूज जो है वो कॉमनली वहाँ पर ऐड हो गए हैं। तो हम लोग फर्स्ट डेफिनेशन को सबसे आइडियल और सबसे स्टैंडर्ड डेफिनेशन मानेंगे और उसी डेफिनेशन को यहाँ पर समझ के उसको बाय हार्ट करेंगे, करेक्ट है। तो यहाँ पर बच्चों डेफिनेशन में आपको समझाना चाहूँगा अकॉर्डिंग टू, तो हमें यहाँ पर समझना है डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू नेशनल इनकम कमिटी, नेशनल इनकम कमिटी के अकॉर्डिंगली क्या होती है नेशनल इनकम, वो डेफिनेशन यहाँ पर हमें समझना है अकॉर्डिंग टू NIC, अकॉर्डिंग टू NIC दैट इज नेशनल इनकम कमिटी के अकॉर्डिंगली क्या है डेफिनेशन वो देखेंगे बच्चों। तो यहाँ पर नेशनल इनकम की कमिटी में जिसको बताया गया है कि इस कमिटी का जो गठन है वो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1949 में किया था, मतलब इस कमिटी का जो एस्टैब्लिशमेंट है वो 1949 में किया गया था, यस विथ, और ये डेफिनेशन ये जो गठन है ये करते समय कुछ लोगों को यहाँ पर सम्मिलित किया था, कुछ लोगों को यहाँ पर ग्रुपिंग की गई थी, कौन से लोग थे बच्चों, प्रोफेसर PC महालानोबिस, करेक्ट है, एज अ चेयरमैन, मतलब नेशनल इनकम कमिटी की जो चेयरमैन थे वो कौन थे बच्चों, प्रोफेसर PC महालानोबिस, उसके अलावा प्रोफेसर DR गाडगिल एंड डॉक्टर VKRV राव एज द मेंबर। तो यहाँ पर एक चेयरमैन थे और बाकी के जितने भी नाम यहाँ पर लिखे गए हैं वो सारे बच्चों क्या थे, इस कमिटी के मेंबर थे, करेक्ट है, सबके यहाँ पर नीचे फोटोज आपको दिए गए हैं। इन्हीं लोगों के द्वारा ये कमिटी यहाँ पर संगठित की गई थी। तो इनके द्वारा नेशनल इनकम क्या है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो डेफिनेशन बच्चों यहाँ पर दी गई है, क्या डेफिनेशन है समझिएगा, डेफिनेशन ये है कि नेशनल एस्टीमेट, ध्यान से देखिएगा, डेफिनेशन है आपका अ नेशनल एस्टीमेट, और नेशनल एस्टीमेट्स, यस, अ नेशनल एस्टीमेट मेजर्स, पहले लिख लेते हैं डेफिनेशन फिर मैं आपको समझाता हूं, मेजर्स द वॉल्यूम ऑफ कमोडिटी। ये जो वॉल्यूम ऑफ कमोडिटी है ना बच्चों, इस वॉल्यूम वर्ड का मतलब रिलेशन किससे है, प्रोडक्शन वैल्यू, कौन सी वैल्यू, प्रोडक्शन वैल्यू किसकी, तो वॉल्यूम ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज, वॉल्यूम ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज, वॉल्यूम ऑफ कमोडिटीज एंड क्या बच्चों, सर्विसेज, जो कमोडिटी जो सर्विसेज टर्नड का मतलब प्रोड्यूस की गई, कन्वर्ट की गई, मतलब जिन कमोडिटी और सर्विसेज को रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में टर्नड किया गया, करेक्ट है ना, सो टर्नड आउट, ठीक है, टर्नड आउट ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड, टर्नड आउट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड मतलब वन ईयर के अंदर, ठीक है, विदाउट डुप्लीकेशन, तो विदाउट डुप्लीकेशन यहां पर आपको डेफिनेशन दिया है। आइए डेफिनेशन का मतलब समझते हैं बच्चों, ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है जरा वन बाय वन करके प्लीज समझना, मीनिंग समझ में आ गया है ना, उसी से रिलेटेड डेफिनेशन भी आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। डेफिनेशन कहता है, जो डेफिनेशन दिया गया है नेशनल इनकम कमिटी के अकॉर्डिंगली, डेफिनेशन ये है कि अ नेशनल एस्टीमेट, ये जो नेशनल एस्टीमेट है ना बच्चों, नेशनल एस्टीमेट का मतलब होता है नेशनल इनकम का एस्टीमेशन, क्या होता है, नेशनल इनकम का एस्टीमेशन मतलब नेशनल इनकम का कैलकुलेशन, ठीक है, या नेशनल इनकम को हम लोग अंदाजा लगाते हैं, यस, तो नेशनल एस्टीमेट मेजर, तो राष्ट्र की इनकम को अगर हमें मेजर करना है, राष्ट्र की इनकम को अगर हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है तो क्या करना होगा, तो हमें यहाँ पर वॉल्यूम लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा बच्चों, वॉल्यूम किसका, कमोडिटीज एंड किसका बच्चों, सर्विसेज का, तो हमें यहाँ पर कमोडिटीज एंड सर्विसेज, कमोडिटीज बोले तो गुड्स, सर्विसेज मतलब सर्विसेज, तो जो गुड्स एंड सर्विसेज का यहाँ पर हमें वॉल्यूम लेना होगा, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज की यहाँ पर हमें प्रोडक्शन वैल्यू निकालनी होगी, गुड्स एंड सर्विसेज की यहाँ पर हमें
मॉनेटरी वैल्यू यहाँ पर कंसिडर करनी होगी। अगर हमें नेशनल इनकम को मेजर करना है, नेशनल इनकम को अगर हमें यहाँ पर एस्टिमेट करना है, तो उसके लिए हमें गुड्स एंड सर्विसेज की मॉनेटरी वैल्यू को यहाँ पर हमें कंसिडर करना होगा। कौन से गुड्स एंड सर्विसेज? टर्नड आउट, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए, जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया गया ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, एक साल के अंदर जितने भी कमोडिटीज एंड सर्विसेज का यहाँ पे टर्नड आउट किया गया, जितने भी कमोडिटी एंड सर्विसेज को यहाँ पर प्रोडक्शन किया गया, उन सभी टाइप के कमोडिटी एंड सर्विसेज के वॉल्यूम, उन सभी टाइप के कमोडिटी एंड सर्विसेज की मॉनेटरी वैल्यू। तो यहाँ पर वॉल्यूम इस वर्ड का मतलब किससे बच्चों? मॉनेटरी वैल्यू से। तो जितने भी कमोडिटी एंड सर्विसेज को ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड एक साल के अंदर प्रोड्यूस किया गया, उन सभी गुड्स एंड सर्विसेज की वॉल्यूम, उन सभी गुड्स एंड सर्विसेज की मॉनेटरी वैल्यू को हमें यहाँ पर मेजर करना होगा। उन सभी गुड्स एंड सर्विसेज की मॉनेटरी वैल्यू को यहाँ पर हमें मेजर करना होगा, तब जाके हमें क्या मिलेगा? नेशनल इनकम का एस्टिमेशन, तब जाके हमें राष्ट्र की इनकम यहाँ पर कैलकुलेट करके मिलेगी। करेक्ट है ना? तो डेफिनेशन लगभग आपके मीनिंग से मैच हो रहा है कि एक साल के अंदर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर जितने भी कमोडिटी एंड सर्विसेज हमारी कंट्री में टर्न आउट किए गए, जितने भी कमोडिटी एंड सेवाएं हमारी कंट्री में प्रोड्यूस की गई, उन सभी कमोडिटी एंड सर्विसेज की वॉल्यूम को, उन सभी कमोडिटी एंड सर्विसेज की मनी वैल्यू को यहाँ पर कंसिडर करना होगा नेशनल इनकम का एस्टिमेशन करने के लिए, नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करने के लिए। करेक्ट है? लास्ट में बच्चों एक लाइन आपको लिखी गई है, विदाउट डुप्लीकेशन। ये विदाउट डुप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? तो बच्चों इसका डिटेल में डिस्कशन हमको आगे चल के करना है जब मैं आपको पढ़ाऊंगा मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम और डिफिकल्टीज इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम जब पढ़ाऊंगा तो आपको ये बात और भी क्लियर हो जाएगी। बट फिलहाल आप समझ लीजिए कि नेशनल इनकम का जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो इनकम कैलकुलेट करते समय जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की हम लोग यहाँ पर वॉल्यूम लेंगे वो गुड्स एंड सर्विसेज की फाइनल वैल्यू होनी चाहिए, वो गुड्स एंड सर्विसेज की फाइनल वैल्यू होनी चाहिए। मतलब उस गुड्स एंड सर्विसेज की वो वैल्यू होनी चाहिए जिस वैल्यू में, जिस प्राइस में हमने गुड्स एंड सर्विसेज को क्या किया बच्चों? डिस्ट्रीब्यूट किया, सोल्ड किया। करेक्ट है ना? गुड्स एंड सर्विसेज की जब हम फाइनल वैल्यू ले रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज की जब हम लोग एंडिंग वैल्यू ले रहे हैं, तो वो गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए हमने कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ किया, उस रॉ मटेरियल की वैल्यू को अलग से लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हम समझो एग्जांपल इस मार्कर का फाइनल वैल्यू अगर मैं ले रहा हूँ तो मार्कर की फाइनल वैल्यू अगर मैं बोलता हूँ 25 रुपीज़ है, तो इस मार्कर के अंदर जो प्लास्टिक यूज़ हुआ है एज अ रॉ मटेरियल, इस मार्कर के लिए जो भी प्रोसेसिंग का खर्चा हुआ है उस खर्चे को अलग से, रॉ मटेरियल को अलग से और मार्कर की वैल्यू को अलग से अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं डुप्लीकेशन हो रहा है। मतलब यहाँ पर मार्कर की जो रॉ मटेरियल है वो मार्कर के फाइनल वैल्यू में भी इंक्लूडेड है और फिर भी अगर मैं रॉ मटेरियल की वैल्यू को अलग से भी अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो यहाँ पर रॉ मटेरियल की वैल्यू जो है वो मार्कर के फाइनल वैल्यू के साथ भी कैलकुलेट हो रही है और अगर वो अलग से भी कैलकुलेट हो रही है तो इसको बोलेंगे डुप्लीकेशन, इसको बोलेंगे डबल कैलकुलेशन, इसको बोलेंगे डबल काउंटिंग। तो यहाँ पर हमें डबल काउंटिंग का जो प्रोसेस है वो अवॉइड करना है, क्योंकि अगर आप रॉ मटेरियल की वैल्यू को अलग से भी कैलकुलेट करोगे और रॉ मटेरियल की वैल्यू को अगर फाइनल वैल्यू के अंदर जो इंक्लूड है, एग्जांपल इस मार्कर के अगर जो फाइनल वैल्यू अगर 30 रुपीज़ है तो 30 रुपीज़ में क्या क्या इंक्लूड है? इस मार्कर का पूरा रॉ मटेरियल का प्राइस भी इंक्लूड है, इस मार्कर को प्रोडक्शन प्रक्रिया के सारे खर्चे भी इंक्लूड है, इस मार्कर की मार्केटिंग का खर्चा, एडवर्टाइजिंग का खर्चा, ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा, सब खर्चा इस 30 रुपये में क्या बच्चों? इंक्लूड है। लेकिन अगर समझो मैं रॉ मटेरियल का अलग से कैलकुलेशन करूँ, प्रोसेसिंग खर्चे को अलग से निकालता हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं रॉ मटेरियल का कैलकुलेशन दो बार कर रहा हूँ, एक फाइनल वैल्यू में भी कर रहा हूँ और एक अलग से भी कर रहा हूँ। तो इसको बोलते हैं डबल काउंटिंग और ये काउंटिंग नहीं होनी चाहिए। अगर आपने डबल काउंटिंग किया है तो यहाँ पर आपका नेशनल इनकम का जो मेजरमेंट है वो रॉन्ग आएगा। तो इस रॉन्ग मेजरमेंट नहीं आना चाहिए, इसलिए हमें यहाँ पर रॉ मटेरियल या किसी भी इंटरमीडिएट गुड्स की, जो गुड्स हमने प्रोडक्शन की प्रक्रिया में यूज़ किए थे, उनको यहाँ पे अलग से कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि वो गुड्स ऑलरेडी इसके फाइनल वैल्यू में इंक्लूडेड है। तो हमें उसे अलग से कैलकुलेट करके डबल काउंटिंग जैसी मिस्टेक को अवॉइड करना है, उसे कहते हैं बच्चों विदाउट डुप्लीकेशन। तो यहाँ पर जिस गुड्स की या जिस सर्विस की आप फाइनल वैल्यू लोगे, उस गुड्स एंड सर्विसेज की इंटरमीडिएट वैल्यू या उस गुड्स एंड सर्विसेज की जो रॉ मटेरियल वैल्यू है उसको अलग से आपको कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं तो हम लोग डुप्लीकेशन में फंस सकते हैं और जिसकी वजह से जो हमें फिगर्स मिलेगा वो फिगर यहाँ पे रॉन्ग होगा और इस तरह से नेशनल इनकम जो है उसका रॉन्ग मेजरमेंट आपको मिलेगा। इससे डुप्लीकेशन को अवॉइड करना है। विदाउट डुप्लीकेशन, बिना किसी एक वस्तु की वैल्यू को दो बार काउंट किए बिना ही हमें राष्ट्र की इनकम को यहाँ पर मेजर करना है। करेक्ट है?
तो डेफिनेशन बहुत ही ईजी है कि नेशनल इनकम का एस्टिमेशन करने के लिए, नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्या करना होगा, मेजर्स करना पड़ेगा, हमें मेजर करना पड़ेगा, हमें मापना होगा, हमें कैलकुलेट करना होगा, किसे, वॉल्यूम को, किसके वॉल्यूम को, कमोडिटी एंड सर्विसेज के वॉल्यूम को, कमोडिटी एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू को हमें यहाँ पर मेजर करना होगा, कौन सी कमोडिटी, कौन सी सर्विसेज जिसको टर्नड आउट किया गया, जिसको प्रोड्यूस किया गया है ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक साल के अंदर जितनी भी वस्तुएं एंड सर्विसेज का हमने प्रोडक्शन किया है उन सभी वस्तुएं एंड सर्विसेज की वॉल्यूम को हम मेजर करेंगे तो ही हमें क्या मिलेगा, नेशनल एस्टिमेट, तो ही हमें क्या मिलेगा, नेशनल इनकम। और यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज के वॉल्यूम को मेजर करते समय, गुड्स एंड सर्विसेज के वॉल्यूम को कैलकुलेट करते समय हमें यहाँ पर डुप्लीकेशन नहीं करना है, मतलब यहाँ पर हमें इंटरमीडिएट गुड्स की रॉ मटेरियल वैल्यू को अलग से काउंट नहीं करना है, न तो रॉ मटेरियल जो है वो गुड्स की फाइनल वैल्यू में भी इंक्लूड हो जाता है और उसको अलग से भी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो फिर से कैलकुलेट हो जाएगा, जिसको बोलेंगे डबल काउंटिंग। तो रॉ मटेरियल यहाँ पर दो बार काउंट होगा, एक फाइनल वैल्यू में भी होगा और एक अलग से भी होगा, करेक्ट। तो ये सारी चीज़ों को अवॉइड किए बिना गुड्स एंड सर्विसेज के वॉल्यूम को यहाँ पर मेजर कीजिएगा और उसी मेजरमेंट को हम लोग कहेंगे नेशनल इनकम, करेक्ट है। तो ये यहाँ पर डेफिनेशन किसने दिया है, नेशनल इनकम कमिटी ने, डेफिनेशन जैसे का वैसा आपको बाहर करना है और इस डुप्लीकेशन की क्लैरिटी आपको आगे चलकर और मिलेगी क्योंकि इससे रिलेटेड और भी कुछ पॉइंट्स हमको आगे चल करके पढ़ना है, करेक्ट है बच्चों। तो ये हुआ आपका डेफिनेशन रिलेटेड टू नेशनल इनकम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब यहाँ पर बाकी के डेफिनेशंस को पढ़कर कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है क्योंकि हमारा स्टडी जितना सिंपल होगा उतना ही इंटरेस्टिंग भी होगा, इसलिए यहाँ तक जो मैंने आपको पढ़ाया ये मीनिंग एंड डेफिनेशन था किसका, नेशनल इनकम का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम डिस्कस करेंगे नेशनल इनकम के फीचर्स, ठीक है। तो सीधे आप लोग आगे बढ़िए और ये सारे डेफिनेशंस के पीछे लगने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, आपने मेन डेफिनेशन स्टैंडर्ड डेफिनेशन पढ़ लिया है, अब सीधे हम लोग आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे व्हाट आर द फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम। ओके, फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्र के इनकम की विशेषताएं क्या है। अब बच्चों इस फीचर्स के पॉइंट जो भी हम पढ़ेंगे उसमें से काफ़ी सारे पॉइंट हमने ऑलरेडी मीनिंग और डेफिनेशन में डिस्कस कर लिए हैं। आइए देखिए कि क्या है नेशनल इनकम की विशेषता है, यस वन बाय वन करके। तो अपना पहला फीचर क्या है, तो फर्स्ट फीचर ऑफ नेशनल इनकम इज ऑलरेडी गिवन, मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। ये तो हमने शुरुआत में ही आपको बता दिया था कि नेशनल इनकम जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है सर, मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट मतलब जिस कॉन्सेप्ट के अंदर हम किसी भी एग्रीगेट कॉन्सेप्ट को कंसिडर करते हैं। अभी राष्ट्र की इनकम है, राष्ट्र की, किसी एक व्यक्ति की इनकम तो नहीं है, तो यहाँ पर जब हम राष्ट्र की इनकम के बारे में समझ रहे हैं तो हम यहाँ पर किसी एग्रीगेट कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर किसी टोटल कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, और ऐसे एग्रीगेट ऐसे टोटल कॉन्सेप्ट को जगह कहाँ पर मिलती है बच्चों, मैक्रो इकोनॉमिक्स में मिलती है। इसलिए नेशनल इनकम की पहली विशेषता ये है कि नेशनल इनकम जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, करेक्ट है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर लिखा है बच्चों इस पॉइंट में कि नेशनल इनकम रिप्रेजेंट इनकम ऑफ द इकोनॉमी, राष्ट्र की इनकम जो है वो अर्थव्यवस्था की इनकम को रिप्रेजेंट करती है। अगर हम राष्ट्र की इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं मतलब हम अर्थव्यवस्था की इनकम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, करेक्ट है, एज अ होल, संपूर्ण अर्थव्यवस्था की यहाँ पर बात हो रही है, रैदर दैन दैट ऑफ एन इंडिविजुअल। यहाँ पर किसी एक व्यक्ति की अर्थव्यवस्था, किसी एक व्यक्ति की इनकम की बात हो रही है क्या, नहीं, यहाँ पर पूरे राष्ट्र की इनकम की बात हो रही है, जिसकी जो इनकम पूरे अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है, हेंस इट इज़ द मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट। और जहाँ पर भी हम किसी होलिस्टिक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, जहाँ पर भी हम किसी एग्रीगेट सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो ऑफकोर्स वो सब्जेक्ट मैटर किसका होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स का होगा। तो नेशनल इनकम की पहली विशेषता क्या है कि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ पर हम किसी इंडिविजुअल स्टडी को नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम पूरी एग्रीगेट पूरी होलिस्टिक स्टडी कर रहे हैं, दैट्स वाई नेशनल इनकम इज कमिंग अंडर द मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए दूसरी विशेषता क्या है बच्चों इसकी, तो दूसरी विशेषता है वैल्यू ऑफ ओनली, यस वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहां पर हमें जो वैल्यू कंसिडर करनी है वो वैल्यू हमें सिर्फ कंसिडर करनी है किसकी बच्चों, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की। फाइनल गुड्स एंड सर्विस का मतलब क्या होता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज फिनिश हो चुके हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो चुका है,
करेक्ट है, उनको कहते हैं हम लोग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहां पर हमें फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को सिर्फ कंसीडर करना है, हमें यहां पर कोई भी इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है ना, या फिर रॉ मटेरियल गुड्स की वैल्यू को यहां पर एस्टिमेट नहीं करना है। वी हैव टू एस्टिमेट हेयर ओनली द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। करेक्ट है, द वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर गोइंग टू बी टेकिंग इन कैलकुलेटिंग और इन मेजरिंग अ नेशनल इनकम। करेक्ट है, ध्यान दीजिएगा इसमें क्या लिखा है बच्चों। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल काउंटिंग, जैसे कि डबल काउंटिंग की बात मैंने आपको पहले भी समझाई कि यहां पर डबल काउंटिंग जैसे प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम यहां पर किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की कौन सी वैल्यू लेंगे बच्चों, फाइनल वैल्यू लेंगे। हम यहां पर किसी भी गुड्स एंड सर्विस की इंटरमीडिएट वैल्यू या उसकी रॉ मटेरियल की वैल्यू को यहां पर कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम इन सभी को इंक्लूड करने वाली जो फाइनल वैल्यू है, जिस वैल्यू के अंदर रॉ मटेरियल की वैल्यू भी इंक्लूड है, जिसके अंदर वो सारे इंटरमीडिएट गुड्स जो प्रोडक्शन के दौरान यूज हुए हैं वो सारे गुड्स की वैल्यू भी इंक्लूड है, तो दैट्स वाई वी आर टेकिंग अ फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नॉट इंटरमीडिएट एंड नॉट रॉ मटेरियल वैल्यू। ओके, जिससे कि डबल काउंटिंग अवॉइड होगी, जिससे कि रॉ मटेरियल का वैल्यू और इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू दो बार काउंट नहीं होगा। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल काउंटिंग इन नेशनल इनकम, द वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी आर कंसीडर्ड। तो यहां पर किसी ने भी पूछा कि आप लोग यहां पर हमें सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू को यहां पर कंसीडर करना होगा फॉर कैलकुलेटिंग अ नेशनल इनकम। ठीक है, आगे देखिए आपके टेक्स्ट बुक में, द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट्स और रॉ मटेरियल इज नॉट कंसीडर्ड। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि यहां पर अपने को गुड्स एंड सर्विसेज की फाइनल वैल्यू को कंसीडर करना है, न कि इंटरमीडिएट गुड्स, मतलब जो गुड्स प्रोडक्शन की प्रक्रिया में यूज किए जाते हैं, न कि हमें वैसे टाइप के गुड्स यहां पर लेने हैं, न ही हमें यहां पर रॉ मटेरियल की वैल्यू को कंसीडर करना है। वी हैव टू कंसीडर ओनली द फाइनल वैल्यू, दैट सेट। करेक्ट है, ओके। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिया गया है कि वाइल, इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली ये पॉइंट क्या आपको समझाना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, वाइल एस्टिमेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ अ शर्ट, अगर हमें समझो किसी शर्ट के प्रोडक्शन का एस्टिमेशन करना है, किसी शर्ट के प्रोडक्शन की फाइनल वैल्यू अगर मुझे लेनी है, तो वो शर्ट मार्केट में कितने में बिक रहा है, उस शर्ट की मार्केट वैल्यू क्या है, उस शर्ट की फाइनल वैल्यू क्या है, वी विल कंसिडर ओनली दैट वैल्यू इन द नेशनल इनकम, न कि वो शर्ट किस कॉटन से बना और उस कॉटन की वैल्यू को अलग से लेना है, फिर शर्ट की वैल्यू को अलग से लेना है। ऐसा करने से बच्चों डबल काउंटिंग होता है, इसलिए यहां पर हम लोग उस शर्ट के अंदर जो कॉटन है उसकी वैल्यू को सेपरेट नहीं लेंगे, हम उसकी वैल्यू को इग्नोर करेंगे, या वो सारे गुड्स की वैल्यू को जो इंटरमीडिएट गुड्स है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर जो शर्ट में बटन्स लगे हुए हैं ये इस शर्ट का इंटरमीडिएट गुड्स है, तो यहां पर बटन की वैल्यू को अलग, इसके अंदर लगे हुए कॉटन की वैल्यू को अलग, इसकी स्टिचिंग जो हुई है उसकी वैल्यू को अलग, तो यहां पर हम लोग इन सभी चीजों की वैल्यू को डिफरेंट डिफरेंट नहीं करेंगे। हम सब यहां पर नेशनल इनकम कैलकुलेशन करने के लिए जो शर्ट की मार्केट वैल्यू होगी, हम सिर्फ उसी वैल्यू को यहां पर कंसिडर करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। करेक्ट है, यस। तो यहां पर लिखा है बच्चों की दैट शर्ट, देयर इज नो नीड टू टेक The value of cotton, तो यहाँ पे cotton का value अपने को consider नहीं करना है, as it is already included in the price of the shirt, क्योंकि cotton की जो value है वो already shirt के price में include है, come on, ठीक है ना। तो cotton की price, button की price, stitching की price जो है वो सब shirt के final value में include है, तो we don't have to be take that value separately, correct है, yes। तो ये हुआ बच्चों आपका second point, second feature, कि नेशनल इनकम में हमें सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को कंसीडर करना है, इंटरमीडिएट गुड्स और रॉ मटेरियल जैसे गुड्स की वैल्यू को यहां पर सेपरेटली कंसीडर नहीं करना है। अदरवाइज अगर आप करते हो ऐसा, तो देयर विल बी डबल काउंटिंग एंड रॉन्ग एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम विल बी देयर। करेक्ट है, चलिए थर्ड फीचर क्या है बच्चों, फीचर नंबर थर्ड इसका है नेट एग्रीगेट वैल्यू। नेट एग्रीगेट वैल्यू, नेट एग्रीगेट वैल्यू का मतलब क्या, नेट एग्रीगेट वैल्यू का मतलब, अगेन हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट द फाइनल वैल्यू, द मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। और जब हम यहां पर फाइनल वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज लेंगे, तो यहां पर आपको अगर नेट वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो वी हैव टू अवॉइड द डेप्रिसिएशन कॉस्ट। तो यहां पर हमें डेप्रिसिएशन की कॉस्ट को अवॉइड करना है। फॉर एग्जाम्पल, हमने जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए, उस गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शंस के लिए हमने कहीं ना कहीं कोई इक्विपमेंट, कोई मशीनरी या कुछ हमने ऐसा कुछ यूज़ किया होगा। तो इस मशीनरी का और इक्विपमेंट को जब आप यूज़ करोगे,
तो उसका वेयर एंड टेयर होता है, मतलब वो मशीनरी और इक्विपमेंट क्या होता है धीरे धीरे घर घसता है, उसका वैल्यू जो है वो रिड्यूस होता है, जिसको हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो ये जो डेप्रिसिएशन की जो कॉस्ट है, करेक्ट है ना, ये भी कहीं ना कहीं आपके गुड्स में ऑलरेडी एडेड है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पर डेप्रिसिएशन की कॉस्ट को इस गुड्स के वैल्यू में ऐड नहीं करना है, हमें डेप्रिसिएशन की कॉस्ट को सेपरेट रखना है, तो हमें मिलेगा नेट एग्रीगेट वैल्यू। तो यहाँ पर नेट एग्रीगेट वैल्यू और ग्रॉस एग्रीगेट वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है, आप नेशनल इनकम का जो कैलकुलेशन है आप ग्रॉस बेसिस पे भी कर सकते हो और आप इसका कैलकुलेशन जो है वो नेट बेसिस पे भी कर सकते हो। अगर आप ग्रॉस बेसिस पे कैलकुलेशन कर रहे हो, इसका मतलब आप गुड्स एंड सर्विसेज की फाइनल वैल्यू के साथ साथ में उस डेप्रिसिएशन कॉस्ट को भी इंक्लूड कर रहे हो, तो यहाँ पर ग्रॉस नेशनल इनकम कैलकुलेट होगा। लेकिन अगर हमें नेट एग्रीगेट वैल्यू, नेट वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर हमें डेप्रिसिएशन कॉस्ट को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। डेप्रिसिएशन कॉस्ट को हमें यहाँ पर इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। तो नेशनल इनकम ये नेट एग्रीगेट वैल्यू को शो करती है, न कि ग्रॉस एग्रीगेट वैल्यू को शो करती है। तो नेट एग्रीगेट वैल्यू को शो करने के लिए डेप्रिसिएशन कॉस्ट को यहाँ से हमें निकालना होता है, करेक्ट है। डेप्रिसिएशन कॉस्ट किसका होता है, जिस मशीनरी और जिस असेट्स की मदद से आपने प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किया, उस असेट की वैल्यू जब आप जितना आप असेट को यूज करोगे तो असेट का वैल्यू धीरे धीरे कम होता जाएगा, और वो जो वैल्यू कम हो रही है असेट की, उसी को कहते हैं डेप्रिसिएशन कॉस्ट, जिसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता है। दैट्स वाई नेशनल इनकम जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसे नेट एग्रीगेट वैल्यू कहे गए, क्योंकि उसमें डेप्रिसिएशन की कॉस्ट को इंक्लूड किया गया नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो नेशनल इनकम इंक्लूड्स नेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेट वैल्यू व्हेन आई एम टॉकिंग, सो वी आर टेकिंग ओनली एंड ओनली द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वी आर नॉट टेकिंग हेयर द डेप्रिसिएशन कॉस्ट। ओके, ठीक है। प्रोड्यूस एंड डज नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन कॉस्ट, तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करना है। जब आप डेप्रिसिएशन कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करोगे तो वो आपको कौन सी वैल्यू मिलेगी बच्चों, नेट एग्रीगेट वैल्यू, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट फीचर, फीचर नंबर बच्चों 4 है, नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड। जब भी हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो हमें एब्रॉड बोले तो फॉरेन कंट्री से आई हुई जो इनकम है, अभी फॉरेन कंट्री से जो इनकम आती है बच्चों वो दो तरीके से आती है, ठीक है ना। फॉरेन कंट्री से जो आई हुई इनकम होती है उनको हम दो तरीके से समझा सकते हैं। एक होता है बच्चों एक्स माइनस एम, जहाँ पर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हमने फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट किए और जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हमने फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट किए, तो हमारे द्वारा किया गया टोटल एक्सपोर्ट वैल्यू और हमारे द्वारा किया गया टोटल इंपोर्ट वैल्यू का जो हम लोग नेट फिगर निकालेंगे, तो हमारे टोटल एक्सपोर्ट में से जब हम इंपोर्ट की वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि हमने फॉरेन से कितना इनकम कमाया बाय एक्सपोर्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी कंट्री समझो 1000 करोड़ का वैल्यू का गुड्स अगर एक्सपोर्ट कर रही है और 700 करोड़ की वैल्यू का गुड्स अगर इंपोर्ट कर रही है, तो नेट इनकम आपको एब्रॉड से कितनी हुई, 1000 करोड़ का गुड्स आपने एक्सपोर्ट किया और 700 करोड़ का गुड्स आपने इंपोर्ट किया, तो आपको एग्जैक्टली देखा जाए तो सिर्फ 300 करोड़ की इनकम आपको एब्रॉड से आ रही है। तो वो किसका फिगर है बच्चों, एक्स माइनस एम का, मतलब एक्सपोर्ट, टोटल एक्सपोर्ट में से हम अपने कंट्री का टोटल इंपोर्ट क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और जो गैप आएगा, जो अमाउंट आएगा, दैट अमाउंट विल बी अवर नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड। उसी तरह से फॉरेन कंट्री से हमारी कंट्री में कुछ रिसिप्ट आते हैं और कुछ पेमेंट आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी कंट्री के कुछ लोगों ने अगर समझो फॉरेन कंट्री के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया होगा तो वहाँ से हमारी कंट्री को डिविडेंड आएगा, या हमारी कंट्री के कुछ लोगों ने अगर वहाँ पर समझो कोई लोन दिया होगा या एडवांसेस दिए होंगे या किसी प्रकार का एक लोन टाइप में या बोरिंग टाइप में इन्वेस्टमेंट किया होगा तो वहाँ से हमें इंटरेस्ट आएगा। उसी तरह से वहाँ के लोगों ने अगर हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट किया तो यहाँ से भी उनको डिविडेंड मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस तरह से फॉरेन कंट्री से जो अमाउंट हमें रिसीव्ड हो रही है और फॉरेन कंट्री को जो अमाउंट हम लोग पेड कर रहे हैं, तो रिसिप्ट और पेमेंट जो हमारा और फॉरेन कंट्री के बीच में हो रहा है, उसके बीच के डिफरेंसेस को भी हम लोग कहेंगे क्या बच्चों, नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो यहाँ पर बच्चों ये जो नेट वर्ड यहाँ पर लग गया है ना, तो समझ जाने का इन दोनों के बीच का गैप, इन दोनों के बीच के गैप को यहाँ पर हम लोग नेट वर्ड से संबोधित
कर रहे हैं, करेक्ट है। तो आपको कभी भी अब्रॉड से आई हुई इनकम अगर कैलकुलेट करनी है तो हेयर यू हैव टू टेक ओनली दिस टू थिंग डू कॉन्सेप्ट, दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट के बीच का गैप और रिसिप्ट और पेमेंट के बीच का गैप, ओनली दिस गैप यू हैव टू कंसिडर फॉर कैलकुलेटिंग अ नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एंड वाई वी आर कैलकुलेटिंग द नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड से आई हुई इनकम को यहाँ पर हम कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव टू इंक्लूड दिस इनकम इन अवर नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम में कहीं ना कहीं तो फॉरेन से आई हुई इनकम को भी जगह दी गई है, फॉरेन से आई हुई इनकम को भी इंक्लूड किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट आपका इसमें देखेंगे क्या लिखा है कि नेशनल इनकम में इंक्लूड्स है, नेशनल इनकम में क्या बच्चों इंक्लूड है, क्या इंक्लूड है, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो पहले ये बात ध्यान में रखना कि क्या फॉरेन से कमाई हुई इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है, हाँ फॉरेन से कमाई हुई इनकम को राष्ट्र की इनकम में इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि वो इनकम भी हमारे कंट्री में हुए गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन की वजह से ही हमने कमाई है, दैट्स वाई उस इनकम को भी हमारे राष्ट्र की इनकम में हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। यस, आगे लिखा है बच्चों कि दैट इज डिफरेंसेस, मतलब इस नेट इनकम को कैलकुलेट कैसे करना है, तो उसके लिए डिफरेंस बिटवीन आपको निकालना होगा, किसके बीच का डिफरेंस, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वैल्यू के बीच का डिफरेंस, उसके साथ रिसिप्ट फ्रॉम अब्रॉड एंड पेमेंट टू अब्रॉड के बीच का डिफरेंस अगर आप निकालते हो तो आपको ऑटोमेटिकली ये फिगर मिलेगा नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और इस इनकम को आपको इंक्लूड करना है किसमें बच्चों, नेशनल इनकम के अंदर, एग्रीड नाउ। तो ये हुआ आपका फीचर नंबर 4 जो आपको बता रहा है कि राष्ट्र की इनकम में अब्रॉड से फॉरेन कंट्री से कमाई गई इनकम को भी इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका फीचर क्या है बच्चों, नेक्स्ट फीचर है आपका फाइनेंशियल ईयर। बच्चों याद रहे जब भी आप कोई नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हो तो नेशनल इनकम का जो कैलकुलेशन होता है वो किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है, और फाइनेंशियल ईयर की नॉर्मली शुरुआत हमारे कंट्री में कभी होती है बच्चों, 1 अप्रैल से शुरू होता है एंड इट विल 31 मार्च को ये एंड हो जाता है। तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के पीरियड को हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल ईयर, और इसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए राष्ट्र की इनकम को कैलकुलेट किया जाता है, करेक्ट है, ध्यान दीजिएगा। तो नेशनल इनकम इज ऑलवेज एक्सप्रेस विथ रेफरेंस टू अ टाइम पीरियड। जब भी मैंने आपको नेशनल इनकम के बारे में समझाया मैंने हमेशा वहां पर पीरियड ऑफ टाइम, टाइम पीरियड को इंपॉर्टेंस दिया है, करेक्ट है ना। तो जब भी मैं टाइम पीरियड कह रहा हूँ या पीरियड ऑफ टाइम कह रहा हूँ तो जरूर वहां पर मैं किसकी बात कर रहा हूँ बच्चों, फाइनेंशियल ईयर के टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ, जो कि 1 अप्रैल से शुरू होगा और 31 मार्च को जाकर के क्या हो जाएगा बच्चों, एंड हो जाएगा, करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर नेशनल इनकम इज ऑलवेज एक्सप्रेस विथ रेफरेंस टू टाइम पीरियड। इंडिया में ये जो टाइम पीरियड होता है ये 1 अप्रैल से शुरू होता है 31 मार्च तक के लिए, करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट आपका है फ्लो कंसेप्ट। नेशनल इनकम को फ्लो कंसेप्ट कहा जाता है। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि नेशनल इनकम इज अ डैश कॉन्सेप्ट, तो आपको बताना है नेशनल इनकम इज अ फ्लो कंसेप्ट। अब बच्चों ये फ्लो कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, नेशनल इनकम को फ्लो कंसेप्ट क्यों कहा जा रहा है, इसके पीछे एकदम सिंपल सा रीज़न ये है कि नेशनल इनकम जो है उसका रिलेशन सीधे गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन से है, करेक्ट है। एंड बाय द वे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नेवर गेट स्टॉप, कभी रुकता नहीं, कभी थमता नहीं। तो गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन है वो 24/7 चलता रहता है। तो जब गुड्स एंड सर्विसेज का जितना फ्लो बढ़ता जाएगा हमारे राष्ट्र की इनकम का फ्लो भी बढ़ता जाएगा। तो जितना ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो बढ़ेगा इनकम भी हमारी फ्लो होती जाएगी। तो नेशनल इनकम का जो प्रवाह है वो गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के प्रवाह के साथ पैरेलल है, जुड़ा हुआ है। तो अगर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन अगर फ्लो कॉन्सेप्ट है तो नेशनल इनकम भी उसी से रिलेटेड है, इसलिए इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, फ्लो कॉन्सेप्ट। क्योंकि बच्चों इनकम प्रोडक्शन ये ऐसी चीज़ें हैं जो रुकती नहीं है, जिनको रोका नहीं जा सकता, ये हमेशा रेगुलर कंटिन्यूसली चलती रहती है। बट कभी कम तो कभी ज़्यादा ये हो सकती है, बट ये हमेशा बच्चों फ्लो होती रहती है, करेक्ट है। यस, सो नेशनल इनकम इज अ फ्लो कंसेप्ट बिकॉज एज इट शोज फ्लो ऑफ। नेशनल इनकम को फ्लो कंसेप्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हमारे कंट्री की इनकम भी अगर बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन भी बच्चों बढ़ रहा है। तो गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के फ्लो के साथ ही साथ नेशनल इनकम भी रिप्रेजेंट होता है, नेशनल इनकम भी कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो इट शोज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। तो हर साल
हर समय 24 घंटे दिन हो चाहे रात हो सर्विसेज का गुड्स का प्रोडक्शन हमेशा होता रहता है, उसके साथ साथ नेशनल इनकम का भी इंक्रीजमेंट होता रहता है। तो इस तरह से गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन जैसे एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, उसी तरह नेशनल इनकम भी बच्चों क्या है, एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यस, वन मोर पॉइंट, एक और फीचर है बच्चों जिसको कहा गया है मनी वैल्यू। ये तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि जैसे कि मैंने आपको समझाया था मीनिंग पार्ट में ही कि नेशनल इनकम इज द मनी वैल्यू, मीनिंग आपको याद आ रहा होगा कि नेशनल इनकम एक मनी वैल्यू है, नेशनल इनकम एक मॉनिटरी वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जिस इकोनॉमी में है, हम लोग जिस मॉडर्न इकोनॉमी में है, तो मॉडर्न इकोनॉमी जो है वो मॉनिटरी इकोनॉमी है, ये मनी इकोनॉमी है, जहाँ पर कोई भी चीज़ पैसों के बिना नहीं ली जा सकती, नहीं दी जा सकती। तो यहाँ पर हर एक चीज़ जो है वो पैसों से ही ली और दी जा सकती है, पैसों के माध्यम से ही वस्तु खरीदी जा सकती है, बेची जा सकती है। तो हमारी जो इकोनॉमी है वो बच्चों मॉनिटरी इकोनॉमी है, हमारी जो इकोनॉमी है वो बच्चों मनी इकोनॉमी है। तो यहाँ पर मनी इकोनॉमी होने की वजह से हम अपने राष्ट्र की इनकम को भी मनी के टर्म्स में ही कैलकुलेट करते हैं। दैट्स वाई ये फीचर यहाँ पर आपको दिख रहा है कि नेशनल इनकम में गुड्स एंड सर्विसेज का हम लोग मनी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो नेशनल इनकम इज ऑलवेज कंसेप्ट एज इट शोज अ फ्लो ऑफ गुड्स एंड नेशनल इनकम इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन मॉनिटरी टर्म्स। नेशनल इनकम को हमेशा मॉनिटरी टर्म्स में ही एक्सप्रेस किया जाता है और ये रिप्रेजेंट करता है सिर्फ उन्हीं गुड्स एंड उन्हीं सर्विसेज को जिस गुड्स एंड जिस सर्विसेज को मनी के टर्म्स में कन्वर्ट किया जा सके। मतलब नेशनल इनकम में हम हमेशा ऐसे ही टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड करेंगे जिस गुड्स एंड सर्विसेज का कुछ ना कुछ तो मनी वैल्यू होना चाहिए, करेक्ट है। तो इट रिप्रेजेंट ओनली दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर एक्सचेंज्ड फॉर मनी, जिसको मनी के साथ एक्सचेंज किया जा सकता है। हम सिर्फ उसी टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज को यहाँ पर कंसीडर करते हैं। जो गुड्स एंड सर्विसेज लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलते हैं, बिना किसी पैसे के मिलते हैं, वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज के लिए नेशनल इनकम में कोई जगह नहीं है। तो नेशनल इनकम में सिर्फ उसी टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज कंसीडर किया जाएगा जिसकी कुछ तो मॉनिटरी वैल्यू होनी चाहिए, जिसकी कुछ तो मनी वैल्यू होनी चाहिए, करेक्ट है। तो यहाँ पर बच्चों हमारा नेशनल इनकम का जो फीचर है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। आई होप आपको सारा नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, सारी विशेषताएं आपको समझ में आई होगी। हर एक विशेषताओं के पीछे कुछ ना कुछ तो बच्चों रीजंस है, उस रीज़न को यहाँ पर प्रॉपरली सुनिएगा, समझिएगा और उस रीज़न को प्लीज़ आप लोग याद भी रखिएगा, जिससे कि अगर क्वेश्चन कहीं से भी घुमा फिरा के अगर आता है और आपको अगर कॉन्सेप्ट बच्चों अगर क्लियर है तो देर विल बी नॉट एनी काइंड ऑफ लॉसेस टू यू। तो कोई भी नुकसान आपको कभी नहीं होगा, पूरा चीज़ आपको इजीली समझ में आ जाएगा, करेक्ट है बच्चों। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में न्यू क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तब तक बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद।